हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मेरा नाम है आरबी यादुरम्बे, आप देख रहे हो टेक्नो 2.0। आज हम बताने वाले हैं आपको कि शादी के कार्ड कुछ इस तरह का डिजाइनिंग करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आपको जो मटेरियल मेरे PLP PNG फाइल जो आपको देखने को मिलेगा, तो आपका उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको PLP फाइल ओपन करना है, और ओपन करने के लिए आपको एक पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी जो वीडियो में कहीं भी देखने को मिल सकता है। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आपको पोस्टर के साथ साथ आपको पूरा डिजाइनिंग बताया जाएगा, आपको कैसे क्रिएट करना है और कैसे किया, और PLP फाइल को कैसे पिक्सल एप्लीकेशन ओपन किया जाता है उसको भी मैं आगे इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए, हम आपको पहले पिक्सल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद आपको पिक्सल एप्लीकेशन ओपन करना है और PLP फाइल ऐड करना। हम पहले बताते हैं, तो आपको यहां पर करना है, पिक्सल एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद आपको यहां पर क्या करना है, आपको 3 आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप ओपन PLP फाइल का ऑप्शन देगा, इस पर क्लिक करना है। और जो फाइल मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड, यहाँ पर देखिए शादी कार्ड 1 शादी कार्ड 2 करके हमारा यहाँ पर पहले से PLP फाइल ऐड है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं और दूसरा हम PLP फाइल ऐड करके हम दिखाएंगे। जो फाइल आपको यहाँ पर डाउनलोड करके अनजिप की हो, और पूरा वीडियो जरूर देखना, वीडियो में आपको पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले आपको ये लिए क्या करना है, यहाँ पर .PLP पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर 3 आइकन के यहाँ पर आपको तीर का ऑप्शन देगा, इस पर क्लिक करना है, और जहाँ भी फाइल को अनजिप करके रखे उस फाइल में आ जाना है। तो ऐसे यहाँ पर शादी कार्ड 2022 लिखा हुआ है, तो उस पर हम चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए शादी कार्ड, इस फाइल का नाम है शादी कार्ड 2022, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर PLP फाइल 1 PLP फाइल 2 करके मिलेगा, दो पार्ट में आया शादी का कार्ड है, ठीक है। तो हम पहले वाला ऐड करके बताते हैं इसको, इसमें डिजाइनिंग क्या क्या करना है और क्या छेड़ना नहीं है, ठीक है। तो आपको पहले वाले पर क्लिक करना है, और यहाँ पर ओपन एंड ऐड के ऑप्शन का क्लिक करना है, और एक बार बैक वाली बटन को दबा देना है। तो बैक वाली बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आपको PLP फाइल ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर चेंज क्या क्या करना है, आपको चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर डुओ पे क्लिक करना है, और जो जो चीज़ को आप चेंज करना चाहते हैं उसको अनलॉक करना है। पहला काम आपका यही है कि आपको उतना चीज़ को आपको अनलॉक कर रखना है, ठीक है। बाकी आपको कुछ नहीं छूना है, हर चीज़ को इसमें नहीं छूना है, ठीक है। बाकी बैकग्राउंड हरि गोविंद चैनल का है, तो मैं इनसे एक बार हम निवेदन करेंगे कि इस वीडियो पर कोई एक्शन ना लें, और इनका वीडियो का हमने यहाँ पर उल्लंघन किया है, लेकिन तो आपको यहाँ पर मेरे को यहाँ पर बैकग्राउंड नहीं मिला था। तो बैकग्राउंड ये शादी का जो कार्ड का बैकग्राउंड देख रहे हो, ये हरि गोविंद चैनल का है, ठीक है। तो बाकी मैंने अपने हिसाब से लिखा हुआ है, बाकी आप हरि गोविंद जी आप अगर देख रहे हो वीडियो देखोगे तो भाई इस वीडियो पर कोई कमेंट ना करवाएँ, इसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगेंगे, ठीक है। तो आपको इसे ऐड करना है। अब यहाँ पर आपको चेंज कैसे करना, जैसे यहाँ पर अभय लिखा है, तो अभय के यहाँ पर दो बार टैप करेंगे तो यहाँ पर आपका अभय लिखा जाएगा। अब यहाँ पर बैक करके हिंदी में, यहाँ से अपना हिंदी लैंग्वेज करके आपको जो अच्छी लिखना चाहते हैं लिख सकते हो। अब यहाँ पर संघ वाले पर आते हैं, यहाँ पर पूजा लिखा हुआ है, तो इससे भी टैप करके दो बार तो यहाँ पर से चेंज कर सकते हो लड़की का भी। अब यहाँ पर आकांक्षा पे आ जाते हैं, आकांक्षा में जिसका नाम देना चाहते हैं तो दो बार टैप करके यहाँ पर हिंदी में लिख सकते हो। इसी तरह आपको हर चीज़ चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पर यादव परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है, ठीक है। आपको इसी तरह हर चीज़ चेंज कर सकते हो, बाकी ये बैकग्राउंड नहीं चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि हरि गोविंद चैनल जी का है, ये ऑफिशियल है, यानी आपको ये हमेशा के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो अब उसके बाद आपको ऐड कैसे करना है, यहाँ पर इसको बनाने के बाद ऐड कैसे करना, ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर यहाँ पर फाइल पर जाना है, फाइल पर सेव कैसे करना, सेव पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपका PNG लिखा हुआ है तो PNG को आपको रहने देना है। यहाँ पर आपको मिलेगा क्वालिटी, पूछेगा क्वालिटी, आपको यहाँ पर पूरा आपको अल्ट्रा करके यहाँ पर सेव टू गैलरी पे सेव कर लेना है। तो इसी तरह का आपको इस वीडियो को मिल जाता है। अब बाकी दूसरा फाइल आपको कैसे सेव करना है, तो दूसरों के लिए भी इसी तरह का लेना है, दूसरा वाला आपको लेना है, उसके फाइल को लेने के लिए यहाँ पर 3 में क्लिक करने, ओपन एंड PLP जाएंगे, तो यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर .PLP लिखेंगे, और यहाँ पर फिर से आई रिक्वेस्टिंग पर क्लिक करेंगे, उसी वाले फाइल में फिर से चले जाना है। जैसे यहाँ पर शादी कार्ड 2022 लिखा हुआ है, अब उस पर भी मैं बता देता हूँ, उसके लिए भी यहाँ पर आना है, सॉरी एक बार बैक करते हैं, और दब गया था दूसरा वाला, तो उसमें फिर से उसी वाले फाइल में जाना है, ठीक है। तो हम शादी कार्ड 2 वाले यहाँ पर 2022 में जाते हैं, यहाँ पर दूसरा लिखा हुआ PLP फाइल शादी कार्ड PLP फाइल 2, तो इस पर क्लिक करेंगे, ओपन एंड PLP पे क्लिक करेंगे, एक बार ओके दबा के बैक वाली बटन को दबा देंगे। यहाँ पर देखिए हर चीज़ चेंज लगा हुआ है, आपको जो भी चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर डुओ पे क्लिक करना है, और सारा का सारा चीज़ को आपको अनलॉक करना है, जितना चीज़ लिखा हुआ है सबको अनलॉक करना है। तो हम फटाफट इसी तरह से हम सारा का सारा चीज़ को अनलॉक रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने हिसाब से जो चीज़ हमको चेंज करना है उस चीज़ को हम अनलॉक करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से हर चीज़ आपको चेंज कर सकते हो, जितना चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ होगा उस सबको अनलॉक करना है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ जो लिखा हुआ है, अभय लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सुपुत्र श्रीदेवी, यहाँ पर सब कुछ, यहाँ पर इसी तरह से आपको हर चीज़ चेंज कर सकते हैं।
आपको यहाँ पर जो जो चीज़ चेंज करना चाहते हैं वो चीज़ को यहाँ पर से हम चेंज बार बार कर सकते हैं। जो चीज़ लिखना चाहते हो लिख सकते हो। यहाँ पर डेट पे आ जाते हैं, डेट पे भी आप यहाँ पर से चेंज कर सकते हो। इसी तरह आपको और भी नए नए फाइल आपको चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पे पहले से ही कुछ फाइलें बने हुए हैं, उसको भी वीडियो को देख लेना। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और आने वाले वीडियो सबसे पहले नोट्स में मिलता रहे आपको। इसी तरह से वो भी फाइल को सेव करने के लिए आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करना, सेव एंड इमेज पर चल के जाकर सेव कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय।